शासन के बल पे, बाहरी गुंडे के बल पे लाभ रूल संभाल करके रहेगा। जूते की नोक पर लोकतंत्र। सिपाही ने विधायक के साथ की बदसलूकी। चैंबर घेराव के दौरान हाथापाई की नौबत। डीएम एसपी के साथ भी धक्का मुक्की। कितने बजे तक? लोकतंत्र का मतलब जानते हैं आप? किसे कहते हैं लोकतंत्र? तो आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उन तस्वीरों में देखकर बताइएगा कि कहीं लोकतंत्र खड़ा हुआ नजर आता है क्या। आज बिहार विधानसभा से तस्वीरें कुछ ऐसे निकल कर आईं जो लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली हैं। विशेष पुलिस विधेयक सदन में पास होने के बाद विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर का घेराव किया और उन्हें जाने से रोका गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष को मार्शल के अलावा भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा। विपक्षी विधायकों को हटाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। विपक्षी विधायकों ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की भी की, मगर अंत में जो तस्वीर आई निकलकर सामने लोकतंत्र के स्तंभ को हिला देने वाली है। एक सिपाही जो जनता के संरक्षण के लिए होता है, उसे विधायक को जूते से मारते हुए देखा गया। विधेयक का विरोध कर रहे विधायकों ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है। इन्हीं तस्वीरों के बीच में जो कहीं खड़ा था लोकतंत्र, वो जाकर पीछे छिप कर बैठ गया कि मुझे मत मारो, मेरी हत्या मत करो, मैं लोकतंत्र हूँ, मुझे जिंदा रहने दो, मुझसे ही हिंदुस्तान है, मेरे सहारे से ही चलता है। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और कहीं ले जाकर पीछे खड़ा कर दिया लोकतंत्र, चोटिल होकर, घायल करके। बिल को लेकर इतना बवाल बढ़ गया कि विपक्षी विधायक धरने पर बैठ गए और नौबत हाथापाई और मारपीट की आ गई। विपक्ष के विधायक चर्चा के दौरान अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए और अध्यक्ष के हाथ से विधेयक खींचने की कोशिश करने लगे। आलम तो ये हो गया कि विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर से निकलने के लिए पटना के डीएम और एसएसपी तक को आना पड़ा। इस दौरान विपक्ष नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। लोकतंत्र और संविधान का मतलब होता है सभी चीजों का व्यवस्थित होना, सभी चीजों के लिए कायदे कानून का तय कर देना और उसी कायदे कानून में रहना, मर्यादा में रहना, मर्यादा को लांघना नहीं। लेकिन जो तस्वीरें आज के दिन निकलकर बिहार की राजधानी पटना और साथ ही विधानसभा के भीतर से सामने आई, उन्होंने इन दोनों शब्दों के मतलब को ही खत्म कर दिया। लोकतंत्र और संविधान न जाने कहां खो गए इन हंगामों की तस्वीर के बीच। आओ चलो ढूंढ लेना लोकतंत्र को मिलकर। आओ देख लेते हैं कहां पड़ा है लोकतंत्र इन तस्वीरों के बीच में। कहीं घायल तो नहीं हो गया? कहीं चोटिल तो नहीं हो गया? अजी छोड़िए ना, चोटिल और घायल तो वो पहले से है। देख लेते हैं कहीं मर तो नहीं गया। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, जहां से बनकर निकलता है कानून, उन्होंने ही सारे कानून को ताक पर रख दिया। उन्होंने ही कर दिया है शर्मसार लोकतंत्र, जहां इज्जत के रखने की बात कही जाती है लोकतंत्र की।